हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वन वे स्लैब स्लैब में हम लोग पढ़ रहे थे वन वे स्लैब। जैसे कि हमने वहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे हमने उसको बता दिए थे, ठीक है। जैसे आपकी मेन फ्रेम फार्मूले, जैसे आपके इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था स्पेन अपॉन ए वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अगर यही स्पैन आपका 10 मीटर से ज़्यादा होता है तो देन मल्टीप्लाई कर देते हैं हर में 10 बाई स्पैन से, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि प्रबलन छड़ों का जो अधिकतम व्यास होता है वो डी बाई 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ मैंने बताया था जो कैपिटल डी है वो आपका टोटल गहराई है, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि वन वे स्लैब में मुख्य इस्पात के अतिरिक्त इसके समकोणी पर जो इस्पात डाला जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने कंसीडर ये भी किया था पॉइंट में कि स्लैब किसी भी दिशा में प्रबलन इस्पात की मात्रा इसके अनुप्रस्थ काट के, ठीक है, अनुप्रस्थ खंड के 0.15% से अधिक कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब HYSD बार होता है, देखो ध्यान देना, जब HYSD बार डाला जाता है तो यह मात्रा 0.12% से कम नहीं होना चाहिए, जबकि माइल्ड स्टील के लिए 0.15% होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो स्पेसिंग निकालते हैं, ठीक है, स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेसिंग एक्चुअली निकालने के लिए क्या करते हैं, 3D और 300 इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको टेकन करते हैं। कैसे निकालते हैं, 3D पहला केस बनता है और दूसरा केस बनता है 300 में। स्पेसिंग का मतलब जैसे दो बार के बीच सेंटर टू सेंटर कितना दूरी आ रहा है, ठीक है, कितने दूरी पर हम उसको मतलब बिछाएंगे, ठीक है, ओके। फिर आया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जनरली क्या करता है, मेन बार को मेन पोजिशन में बनाए रखता है, ठीक है, और जो भी टू प्रोटेक्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो भी जनरेट होते हैं उनको क्या करता है, रजिस्ट करता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि मेन बार का तो हो गया था, स्पेसिंग कैसे करते हैं, ऊपर मैंने जैसे कंसीडर किया था 3D और 300 में। फिर अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए 5D 450, ठीक है, इसमें भी दो केस बनते हैं 5D और 450 mm, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि 5D में डी क्या है, मैंने ऊपर नहीं बताया है लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो 5D में डी है आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5D से, ठीक है, जो वैल्यू आता है वो और 450 दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद से हमको इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है उसको क्या करते हैं, जनरली टेकन करते रहते हैं, और इन दोनों मिनिमम में से जो भी वैल्यू मिनिमम आता है उसको लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ध्यान देना, प्रोवाइड डाया बार एट द रेट स्पेसिंग सेक्टर टू सेंटर मेन बार, ठीक है। अब जो मेन रिइंफोर्समेंट जब भी लिखेंगे इस तरह का लिखने का मतलब एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है, तो आप इसी तरह आप एग्ज़ाम में भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जितना स्पेसिंग आया सेंटर टू सेंटर करके ही आपको लिखना है, ठीक है। फिर हमने बताया था, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि क्या क्या डिज़ाइन शेप हो सकते हैं स्लैब के। अभी तक तो हमने क्या किया, डिज़ाइन क्राइटेरिया को समझा है स्लैब में कि क्या मेन बार होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, ठीक है, और कितने स्पेसिंग पे रखा जाता है, इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है अलग अलग बीम या स्लैब के लिए। तो मैंने बताया था कैंटिलीवर के लिए बीम के लिए 7 था, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 था और कंटिन्यूस के लिए 26 था, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिजाइन स्टेप फॉर वन वे स्लैब, ठीक है। तो पहले सबसे पहला स्टेप जो आता है, टेक विड्थ ऑफ स्लैब एज बी बराबर 1 मीटर, ठीक है, यानी कि 1000 mm हम क्या करेंगे कंसीडर करके स्लैब की विड्थ को डिज़ाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो जहाँ भी बी की वैल्यू हमको पुट करना होगा वहाँ पे 1000 mm या 1 मीटर रखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप था कि हम कैसे स्लैब के मतलब पता करें कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जब लॉन्गर स्पैन, ठीक है,
लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो दो से क्या हो बड़ा हो। याद रखिए फिर से, जब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो दो से बड़ा होता है उसको वन वे स्लैब बोलते हैं, और जब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होता है वो दो से कम होता है तो उसको हम टू वे स्लैब बोलते हैं जनरली। ठीक है, फिर बात आते हैं कि हम सर कैलकुलेट कैसे करें इफेक्टिव डेप्थ। तो मैंने बताया था आपको फार्मूले में कि स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, मॉडिफिकेशन आपको फैक्टर एक्चुअली में आई एस कोड में भी एक्चुअली निकाला जाता है, लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, यहाँ पे आपको एज्यूम करके वैल्यू क्या कर जनरली पुट कर देना है। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप था आपका कैलकुलेट ओवरऑल डेप्थ। तो आपको पता ही है ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालते थे हम, इफेक्टिव डेप्थ में क्या करते थे इफेक्टिव कवर को जोड़ देते थे तो हमको मिल जाता था इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, थैंक यू।